रोल वाले मोबाइल पे बात करूंगा। रोल क्या मामला है, पूरी बताइए, कहाँ शादी हुई थी आपकी? मेरा नाम अक्षी नूर, थिरिया निजावत खां की रहने वाली हूँ। कहाँ शादी हुई? ठीक है, थिरिया में मेरी शादी हुई थी, मोहल्ला हरी मस्जिद पे। मेरे पति का नाम है माहिर खां और पिता का नाम अगदाद खां। फिर आपके साथ क्या घटना? मेरी शादी 4 नवंबर 2020 में हुई थी और मेरे पति के नाजायज संबंध उसकी भाभी के साथ थे 5 साल से, लेकिन उनके परिवार वालों ने ये बात मुझसे छुपा के रखी और मुझे 8 दिन के बाद ये बात मुझे पता चली थी। फिर क्या हुआ? 8 दिन के बाद मुझे ये बात पता चली कि उसकी नाजायज संबंध उसकी भाभी के साथ है। मैंने उन लोगों को पकड़ भी लिया था नंगे हाथ, बाथरूम में और रूम में भी, और उनके परिवार वालों को सबको पता था। मेरी शादी भी, मेरे पापा भी नहीं है, उनका इंतकाल हो गया है। मुकदमा फिर आपके साथ क्या करा उन लोगों ने? फिर उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट भी करी। मैंने कहा मैं अपने घर पर ये बात बताऊंगी सारी, लेकिन उसने मुझे इतना मारा और कहा अगर तूने अपने घर पर कोई बात करी तो तुझे जान से मार दूंगा। मैंने फिर भी अपने घर पे 1 महीने के बाद बताया और मुझे उसने रोटो पे भी मारा था, होटल वाले की दुकान पे मारा था, मिठाई वाले की दुकान पे मारा था। उसने मुझे आपके तलाक दे दिया नहीं अभी? हाँ, उसने मुझे तलाक दे दिया 12 फरवरी को। अब मैं ये चाहती हूँ मेरी कार्रवाई आगे बढ़ जाए और वो जल्द से जल्द पकड़ जाए मुझे। पुलिस उठा नहीं रही है और मुकदमा भी लिख गया है। 10 महीने होगा सर उसको, क्या नाम, मुलजिम को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। नहीं, शादी को 10 महीने हुए मेरी शादी, वैसे तो 4 जनवरी को हुई थी, नवंबर को, 4 नवंबर को हुई थी मेरी शादी। 3 महीने में मेरा डिवोर्स हो गया, 3 महीने 8 दिन में। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? अभी कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है, पुलिस उठाई नहीं रही है। हटा बैठी रहो, पीछे करो। बोलो, कहाँ का मामला? ये निजावत का। क्या हुआ आपके साथ? मेरे सर 4 नवंबर को शादी हुई थी थिरिया निजावत खां के साथ 2020 में। तो उसके जो नाजायज संबंध थे वो उसकी भाभी के साथ थे और वो उन लोगों के नाजायज संबंध 5 साल। आईडी है अपनी? आईडी लगा सीट वाली। क्या मामला, कहाँ से आई हैं आप? मतलब पूरा मामला बताओ अपना, क्या हुआ था, क्या हुआ? 3 तलाक बाद जो मुकदमा लिखा हुआ था।